नमस्कार, इंडियन पॉपुलर कोर्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोनचिरिया के ट्रेलर की कहानी की। पिछली बार हमने बताया था डाकू मानसिंह की असली कहानी क्या, असली डाकू मानसिंह कौन थे। और ट्रेलर देखने के बाद पता चला कि मानसिंह की नहीं, मलखान सिंह की कहानी है। फिल्म में बार बार मानसिंह कहा जा रहा है क्योंकि कई बार निर्माता कई विवादों से, झमेलों से बचने के लिए किरदारों के नाम बदल देते हैं, कहानी असली रखते हैं। तो इस बार भी वही हो रहा है, ये मलखान सिंह की कहानी है। मलखान सिंह बहुत रोचक कहानी है। मलखान सिंह एक समय पर इतना ताकतवर डाकू हुआ करते थे, चंबल में उनके बागी जो कहा जाता था वो डाकुओं के सरदार कहे जाते थे, सारे डाकुओं के राजा कहे जाते थे और चंबल के राजा कहे जाते थे। और उनको तीन राज्यों की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। और बाद में जब नोटबंदी के दौरान क्या कहते हैं वो नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे तो अपनी लाइन से कोई हटा भी नहीं। तो सोच लीजिए कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन एक आदमी ने देखा अपने ज़िंदगी में। तो मलखान सिंह की बात आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए, लाइक में बताइए ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और तो मलखान सिंह की कहानी शुरू होती है 1970s के मिड से, 75 के आसपास से जैसा फिल्म में भी दिखाया गया, और ख़त्म होती है 80s की शुरुआत में। और उसके बाद फूलन देवी जैसे दूसरे गैंग आ गए। और मलखान सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कई सारे सब ऑपरेटिव गैंग्स के ऊपर एक गैंग था, मतलब जैसे विक्रम मल्लाह जैसे जो डाकू और जो थे उनके ऊपर एक काम करता था। तो उन छोटे गैंग्स के ऊपर एक बड़ा गैंग मलखान सिंह उस तरह से काम करता था। मलखान सिंह के दो तीन नियम थे। मलखान सिंह ने कभी भी वो नहीं किया, नरसंहार जैसी चीज़ें नहीं की, लाइन से लोगों को खड़ा करके मारना वो सारी चीज़ें करना, क्योंकि मलखान सिंह का ये मानना था कि वो बागी हैं, डाकू नहीं हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, जब दूसरे डाकुओं ने नरसंहार किया तो मलखान सिंह ने कहा कि वो इस बात पे खुश नहीं हैं, ये उनका तरीका नहीं है। और इसी तरह से उनका वो गैंग पुलिस की वर्दी में चलता था जो इसमें भी दिखाया गया है। और मलखान सिंह के साथ एक और अच्छी तो नहीं कहेंगे, एक और रोचक बात जुड़ी हुई थी कि जो ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल्स और मशीन गन्स और स्टेन गन जैसे हथियार हैं जो फिल्म में भी दिखाए जा रहे हैं ट्रेलर में, वो मलखान सिंह ने चंबल में इस्तेमाल करना शुरू किए। और इसके बाद मलखान सिंह का सरेंडर कैसे हुआ वो अपने आप में एक बड़ी रोचक स्टोरी। आगरा के एक व्यापारी थे, उनके ज़रिए मलखान सिंह ने अपने सरेंडर की कहा जाता है बात आगे बढ़ाई। और उस समय हुआ क्या था कि छबीराम का एनकाउंटर हुआ, डाकू छबीराम उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद मलखान सिंह को लगा कि एनकाउंटर करना चाहिए। इस बातचीत में कई उतार चढ़ाव है। एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे कल्याण मुखर्जी, जिन्होंने ये तो उस समय पर इसको आगे बढ़ाने की बात की सरेंडर को। और इस बीच में छबीराम का एनकाउंटर हुआ तो ये बात भी उड़ी कि वो सरेंडर करने जा रहा था और उसका क्या कहते हैं एनकाउंटर कर दिया गया गलती से। तो मलखान सिंह इसकी सिक्योरिटी चाहते थे। तो जो पुलिस ऑफिसर थे उस समय पर चतुर्वेदी, फिल्म में भी आशुतोष राणा का जिस तरह से किरदार दिखाया गया है, गमछा डाले हुए पीले रंग का जो अक्सर ब्राह्मण डालते हैं उस इलाके में, तो ये मान सकते हैं कि शायद चतुर्वेदी के किरदार से उनका किरदार इंस्पायर्ड होगा। तो उनकी पत्नी ने मलखान सिंह को राखी बांधी और जिसके बाद ये तय हुआ कि उनका सरेंडर जो है वो प्रॉपर होगा। तो मलखान सिंह ने सरेंडर के लिए शर्त रखी, वो पब्लिक सेरेमनी होगी और क्या कहते हैं लोग आएंगे और वो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर करेंगे। तो अर्जुन सिंह आए और माना जाता है इंडिया टुडे की तब की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि 30,000 लोग उस सरेंडर को देखने के लिए जमा हुए थे। मलखान सिंह आए और उन्होंने अपनी बंदूक जो है दुर्गा के सामने रखी, अर्जुन सिंह के सामने झुके, पैर छुए और उसके बाद उनको खेती करने की इजाज़त दी गई। सजा काटने के बाद उनकी मांग ये थी कि उन्हें ओपन जेल में रखा जाए, जो मांग बहुत कंट्रोवर्शियल थी, जब नहीं मांगी, लेकिन बाद में उनको खेती दे दी गई और तब से वो खेती कर रहे हैं। और अभी कुछ साल पहले, एक दो साल पहले मलखान सिंह का पोता चेन स्नैचिंग में, चेन छीनने में पकड़ा गया। तो मलखान सिंह बड़ा नाराज़ हुए कि इन्होंने मेरी नाक कटवा दी। और फिलहाल मलखान सिंह अभी भी हैं और वो अपना क्या कहते हैं खेती करके गुजर बसर करते हैं। 6 फुट लंबा शरीर है और बड़ा लोगों से हंस के मिल के बोलते हैं। और जिस तरह की जो छवि थी डाकू वाली उससे बिल्कुल अलग है उनकी छवि। तो मलखान सिंह की कहानी आपको कैसी लगी ये बताइए। और इस तरह की अगर आप जानकारी और चाहते हैं फिल्मों से जुड़ी हुई और किसी चीज़ से जुड़ी हुई तो हमें बिल्कुल बताइए। कि आप फूलन देवी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी कहानी किस तरीके से जो फिल्म में दिखाई गई बैंडेड क्वीन में उससे बिल्कुल अलग है, हम वो भी बता सकते हैं। वैसे भी IPC इंडियन पॉपुलर कोड हो या इंडियन पेनल कोड हो, दोनों का थोड़ा बहुत रिश्ता तो डाकुओं के साथ है ही। तो मित्रों बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हम आपको इस तरह की रोचक जानकारी देंगे। हाँ, जाने से पहले हम आपको एक बात और बताएं, एक बात पूछना चाहेंगे। इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है दिल्ली में, हम उसकी लगातार उसमें अलग अलग वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। और अगर आप
का पढ़ने में लिखने में रुचि है, लेखक कैसे कमाते हैं, कैसे रेवेन्यू उनका बनता है, किस तरह से वो फिल्म राइट्स की बात करते हैं, वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हैं अलग अलग लेखकों से, अलग अलग लोगों से, जैसे जो लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, नौकरी छोड़ के घूम रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा है, इस तरह की सारी बातें भी हम आपको बता सकते हैं। तो वो वीडियोज़ देखते रहिए और IPC के साथ बने रहिए, और आपके प्यार के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया।